आपको स्वागत है। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 21 दिसंबर के ईश्वरीय वरदान की। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम तीन प्रकार की सेवाएं करें। एक हो गया हमारी सोच से, एक हो गया हमारे बोल से, और एक हो गया हमारे कर्मों से। कभी कभी हो सकता है कि किसी को थोड़ी झिझक लगे कि नहीं, मैं बोल तो सकता नहीं हूँ अच्छे से, बोल नहीं सकती हूँ अच्छे से। तो परमात्मा कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मन से सेवा करें। मतलब मन से आप ऐसे क्रिएट करें थॉट्स जो कि बीज के रूप में किसी और के दिल में घर कर लें, ताकि उसका जीवन बदल जाए, उसको फीलिंग आ जाए कि अच्छा ये सिचुएशन मुझे ऐसा करना चाहिए आई थिंक। और क्या आप ये हजारों किलोमीटर दूर भी कर सकते हैं? यस एग्जैक्टली। परमात्मा ये तो हमें सिखाते हैं ब्रह्म कुमारी में कि आप एक शक्तिशाली आत्मा हो, आप एक ऐसी एनर्जी हो जो कि इन्फिनाइट हो, और आपके अंदर जब प्योरिटी की शक्ति जब बढ़ती है मेडिटेशन से, तो आपके जो थॉट्स हैं वो पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल सकते हैं, इतनी शक्ति है आपकी। लेकिन इन्हीं चीजों को हम अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से दोनों यूज कर सकते हैं। देखें आज परमात्मा कहते क्या है। परमपिता परमात्मा कहते हैं, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि और वृत्ति और कृति से। दृष्टि मतलब सोच आपकी, वृत्ति मतलब आपका एटीट्यूड कैसा है किसी भी सिचुएशन में, और कृति मतलब कार्य एक्शन से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। निरंतर सेवाधारी, जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, एग्जैक्टली ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। ब्राह्मण मतलब स्पिरिचुअल जीवन, जो कि ब्रह्मा के हजारों भुजाओं में से आप भी एक भुजा बन सकते हो, हेल्पिंग हैंड कहते हैं इसको, या आप कहें एडम के हेल्पिंग हैंड बन जाओ। ब्रह्मा मतलब एडम, एडम के हेल्पिंग हैंड की परमात्मा एडम के द्वारा स्वर्ग बनाते हैं, तो आप भी उसके अंदर अपना हाथ दें सहयोग का। जैसे श्वास ना चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करते रहो। मूर्छित मतलब क्या हो गया, कोई सिचुएशन आई, आपको पता ही नहीं कि सिचुएशन में करना क्या है, लेकिन आप कंपेयर करें कि आपने किसी के लिए मनसा सेवा करी, मतलब मन से किसी के लिए दुआएं क्रिएट करें, किसी के लिए अच्छे भाव क्रिएट करें आपने, या आपने वाचा से किसी को समझाया कि ऐसे नहीं ऐसे करना सा अच्छा रहेगा आपका। एंड आप सोचिए जरा, आप जब सेवा कर रहे होते हैं तो आपके सामने 2, 3, 4, 10, 15, 20 लोग आते हैं अलग अलग क्वेश्चन के साथ, और हर एक की सिचुएशन अलग होती है, और जब आप उनको परमात्मा के दिए हुए ज्ञान और गुण और शक्तियों को बांटते हैं तो आपको समझ आता है कि ये बोलने से ये हुआ और उनका जीवन सुधर गया। तो इमेजिन करिए आपके खुद के पास में कितनी विजडम आ जाती होगी कि आप मूर्छित नहीं होते, जिसको परमात्मा ने आज कहा है अनकॉन्शियस। कोई सिचुएशन है अनकॉन्शियस हो गए, होता ना ब्लैंक हो गया, मेरे को समझ नहीं आया क्या करना है सिचुएशन में, वो आपके साथ में नहीं होगा। वो तब होता है जब आप सेवा कर रहे होते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी में चार सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हमारा है सबसे पहला सब्जेक्ट ज्ञान, उसके बाद में योग मतलब मेडिटेशन, उसके बाद में धारणा और सेवा। धारणा मतलब क्या धारण करना है, कौन सी क्वालिटीज धारण करनी है, कौन से कैरेक्टर बिहेवियर्स धारण करने, कौन सी शक्तियाँ धारण करनी है, ताकि हम औरों को भी हम हेल्प कर पाए वैसा बनने में। इसलिए परमात्मा कहते हैं सेवा करना बहुत जरूरी है, इससे आपको ही फायदा होता है। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से, मतलब कि आप किसी के लिए अच्छे विजन्स रखें, चाहे परमात्मा ने कहा है जैसे कि आज की स्पिरिचुअल नॉलेज में कि कोई आपका दुश्मन नहीं, दुश्मन को भी पास रखो, लेकिन वो दुश्मन दुश्मन नहीं रहता, फिर वो आपका समीप दोस्त बन जाता है। तो आपकी दृष्टि कैसी रही, प्योर रही उसके प्रति, वृत्ति एटीट्यूड कैसा रहा उसके प्रति, उसको भी परमात्मा के निकट लाने का एटीट्यूड। अहंकार नहीं आए बीच में, ईगो नहीं आई, जेलसी नहीं आई आपके बीच में, ईर्ष्या नहीं आई, घृणा नहीं आई आपके बीच में और उसके बीच में। कृति से सेवा करते रहो, और आपने वो स्टेप लिया ताकि वो आत्मा भी आपके क्लोज आ पाए। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता, जैसे भी हम वाणी से सेवा कर रहे हैं नहीं मिलता, तो मनसा सेवा करो, थॉट्स के थ्रू आप किसी के लिए क्रिएट करो। इतना पावरफुल परमात्मा कहते हैं कि आपके संकल्प पूरे ब्रह्मांड में पहुंच सकते, प्रोवाइडेड आपके अंदर ईगो, ईर्ष्या, अहंकार, घृणा, नफरत किसी के लिए ना हो, इतनी प्योरिटी हो कि आपके थॉट्स की वाइब्रेशंस एक ऑरा के तौर से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम करके वापस आ जाए, इतनी ताकत है आपके अंदर। फिर परमात्मा कहते हैं वाणी से सेवा ना का चांस नहीं मिलता, तो मनसा सेवा करो, थॉट्स के थ्रू, संकल्प के थ्रू किसी का भला कर दो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। तो ये नहीं कि सिर्फ बोलने से ही सेवा होती है, लेकिन सोचने से भी सेवा होती है। आपकी सोच इतनी प्योर, इतनी पावरफुल हो
प्योर होगी तो पावरफुल होगी, कि आपकी सोच, आपके जो संकल्प के जो वाइब्रेशंस हैं वो किसी को टच कर जाए, और उसको जो वो अटका हुआ हो इंसान किसी सिचुएशन में, और आपके थॉट्स इतने प्योरिटी, इतने पावरफुल थॉट्स हों कि वो इंसान 2000 किलोमीटर कहीं और बैठा भी हुआ हो, उसको अचानक से फीलिंग आए, अच्छा ये सिचुएशन में ऐसा क्यों ना कर लूँ, मैं डिवाइन क्वालिटी क्यों ना यूज़ कर लूँ इस सिचुएशन में, ये शक्ति क्यों ना यूज़ कर लूँ, सहन क्यों ना कर लूँ इस सिचुएशन में, और ये पॉसिबल है आपके थॉट्स के थ्रू। इमेजिन करिए कि आप एक जैसे कि एक सैटेलाइट हैं, आप एक एनर्जी सैटेलाइट हैं जो कि चारों तरफ अपनी वाइब्रेशंस तरंगों को भेज सकते हैं और लोग उसको कैच कर सकते हैं, इमेजिन आप कितनों का भला कर सकते हैं। ये कैसे सीखते हैं, इसको आप आकर के ब्रह्म कुमारी में समझें। इसके साथ ओम शांति।